नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 258वां एपिसोड। आज है 11 अप्रैल 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर खबरों की बाढ़ आई हुई है। स्पेशली शुरुआती दो मैचों के बाद आईपीएल में पॉइंट्स टेबल पर बड़ा घमासान हो गया, बड़ा उलटफेर हो गया है। आप सोच भी नहीं सकते नेट रन रेट ने क्या क्या कर दिया है। उसके बारे में बताएंगे, ऑरेंज कैप पर्पल कैप के बारे में बताएंगे, जो तीसरा मैच होने वाला उसके बारे में बताएंगे, रोहित शर्मा के नए जूतों के बारे में बताएंगे, सारी बड़ी खबरें बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिनभर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो ये रिपोर्ट महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आई है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी पर फाइन लग गया है। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है पहला मैच जो चेन्नई ने खेला था उसके बाद। दरअसल दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली के बीच जो मैच था उसमें स्लो ओवर रेट के नियमों के उल्लंघन को लेकर धोनी के ऊपर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। कप्तान के रूप में धोनी है जुर्माना भरने वाले हैं। हालांकि इससे पहले जो पहला मैच हुआ था उसमें भी स्लो ओवर रेट हुआ था, पर उस मैच में कोई जुर्माना नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था मुझे नहीं पता, पर यह बड़ी खबर आई है आप तक पहुंचा दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की दूसरी बड़ी खबर की। तो भाई ये रिपोर्ट, ये खबर आपको पता ही होगी, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हार मिली है, दिल्ली की टीम को जीत मिली है। दूसरे मैच में दिल्ली भी जीत गई है, हम भी जीत गए। माय 11 सर्कल ऐप पर हमने टीम बनाई थी राशिद खान के खिलाफ और ये टीम हमारी जीत गई है। ये लगातार दूसरी टीम हमारी दो मैचों में, पहले मैच में भी हमारी जीत गई थी। और इसीलिए आपसे बोलता हूँ भाई, 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतने का आपके पास भी मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स खोलिए, माय 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप नीचे दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर अपना पहला पैसा डालिए तो ऐप की तरफ से 1500 रुपए और 20% का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सौरव गांगुली, राशिद खान, विजेश लक्ष्मण अपनी टीम में बनाते हैं, इनकी टीम को हरा देंगे तो 2 से लेकर 5 गुना तक पैसा भी आपको मिलेगा। साथ ही 1 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, हर मैच में कोई ना कोई 1 करोड़ रुपए जीत सकता है सिर्फ 1 रुपए से। तो भाई दे क्यों कर रहे हो, क्योंकि रणवीर भैया हमारे हैं ना, खुद यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चलाते हैं। साथ ही दोस्तों, मेगा लीडर बोर्ड भी चल रहा है जिसमें आप 2 से 4 करोड़ रुपए जीत सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पैसे डालना निकालना प्लेइंग 11 बनाना बहुत आसान है और बहुत सारे लोग जीत चुके हैं। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, माय 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिनभर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट देवदत्त पड्डीकल के हवाले से आ रही है। दोस्तों, देवदत्त पड्डीकल ने प्रैक्टिस और ट्रेनिंग्स जो है वो शुरू कर दी। हालांकि पड्डीकल पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि वो बिना क्वारंटाइन के कैसे आरसीबी की टीम में आ गए, लेकिन रिपोर्ट यह है कि वो अगला मैच खेलने वाले हैं। पॉजिटिव हुए थे, अब नेगेटिव हुए हैं, अगला मैच खेलने वाले, सारे टेस्ट अब उनके जो लगातार 3 टेस्ट हुए एक ही दिन में सारे नेगेटिव आए हैं आरसीबी के फैंस के लिए। ये अच्छी खबर है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की चौथी बड़ी खबर की। ओएन मॉर्गन ने एक बड़ा हिंट दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 11 तारीख मतलब आज खेला जाएगा मैच, और इस मैच के लिए अपनी केकेआर की प्लेइंग 11 को लेकर ओएन मॉर्गन ने हिंट दिया है। ओएन मॉर्गन ने कहा है कि शाकिब एंड सुनील आर नो डिफरेंट, मतलब कि प्लेइंग 11 में शाकिब अल हसन और सुनील नरीन में कोई बड़ा अंतर नहीं होगा, इन दोनों में कोई एक को ही प्लेइंग 11 में एंट्री मिलेगी। साफ संकेत है दोस्तों कि जो प्लेइंग 11 हमने इस वीडियो में आपको बताई थी प्रीव्यू शो में, वैसी ही प्लेइंग 11 केकेआर की रहने वाली है। ओएन मॉर्गन के इस हिट के बाद, जो इन्होंने हिंट दिया माफ कीजिए, इसके बाद ये लगभग तय हो गया है कि कोई बड़ा बदलाव केकेआर नहीं करेगी, ऐसी प्लेइंग 11 नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की पांचवी बड़ी खबर की। रोहित शर्मा के जूते बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले मैच में मुंबई इंडियंस की टीम तो हार गई, लेकिन रोहित शर्मा के जूतों ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर दी। रोहित शर्मा के जूते आप देख रहे होंगे, साइड में भी चल रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेव द राइनोस का स्पेशल मैसेज इन्होंने लिखा हुआ है और उनके जूतों पर राइनोस भी बने हुए हैं। अब राइनोस को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहां पर राइनोज होते नहीं है, लेकिन आप जरूर देखिए और इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम क्रिकेटर होते हैं जो कि एनिमल्स के प्रति अपने इस तरह के स्पेशल मैसेज को अपनी जर्सी, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा ब्रांड हो सकती है, पैसे कमाने का जरिया हो सकती है, उसमें प्रमोट करते हैं। अमिताभ बच्चन और केविन पीटरसन, इन दोनों ने इस पर रोहित शर्मा को बधाई अभी दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की छठवीं बड़ी खबर की। पॉइंट्स टेबल का बड़ा घालमेल सामने आ गया है। नेट रन रेट ने बड़े बड़े कप्तानों को जो है हताश कर दिया है और जीत के बाद भी कई प्लेयर्स खुश नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, पहला मैच हुआ था मुंबई और आरसीबी का, जिसमें बड़ा ही क्लोज मैच था। इससे हुआ यह है दोस्तों कि आरसीबी की टीम का जो नेट रन रेट है वो सिर्फ +0.05 है,
जो कि बहुत ना के बराबर है, जीरो ही मानी यहाँ पे से। दूसरी तरफ मुंबई का हार के बाद भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पॉइंट्स टेबल पर मुंबई की टीम नीचे जरूर है, लेकिन इनका नेट रन रेट -0.05 है। मतलब भाई यहाँ से एक घालमेल तो ये हो गया कि दोनों टीमों ने मैच तो हुआ, आरसीबी जीती भी, मुंबई हारी भी, लेकिन दोनों ही टीमों को नेट रन रेट में कोई ज्यादा बड़ा फायदा नुकसान नहीं हुआ। आगे बताऊंगा इसका क्या जो है इंप्लीमेंटेशन आगे देखेगा। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, दिल्ली की टीम ने जो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हराया था बड़े अंतर से, बड़ी इजीली हरा दिया था, तो +0.7 का नेट रन रेट दिल्ली का हो गया, और चेन्नई को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है क्योंकि चेन्नई का जो नेट रन रेट है वो -0.7 का हो गया है। पॉइंट्स टेबल आप पूरा देख पा रहे होंगे, नेट रन रेट ने कप्तानों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि आप मैच जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, आईपीएल में नेट रन रेट से फर्क पड़ता है। एट द एंड नंबर चार के लिए, नंबर तीन के लिए चार पांच टीमें लड़ाई लड़ेंगी और फैसला नेट रन रेट करेगा। इसीलिए मैं लगातार ये वीडियो नेट रन रेट की आपको प्रोवाइड करूंगा, आगे आपको समझ में आएगी कितनी फायदेमंद। तो ये गालमेल तो आपने देख लिया नेट रन रेट का, कौन खुश है कौन दुखी है कमेंट में आप बताइए। सातवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑरेंज कैप को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। शिखर धवन ने अपने पहले मैच में जो दिल्ली का हुआ था चेन्नई के खिलाफ, उसमें 85 रन की पारी खेली और ऑरेंज कैप पे टॉप कर गए हैं, और मतलब आप पूरी लिस्ट तो यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। हालांकि बहुत शुरुआत है अभी आईपीएल की, बहुत शुरुआती मैचेस हैं और ये लिस्ट अभी बहुत ज्यादा बदलेगी। आगे बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, पर्पल कैप की अपडेट दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। पर्पल कैप में हर्षल पटेल को जो 5 विकेट हॉल मिला था, जो 5 विकेट फाइबर मिला था, उसका बहुत ज्यादा इन्हें फायदा हुआ है। ये बहुत बड़े अंतर के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। अब इन्हें नीचा करना मतलब इस हफ्ते तो मुश्किल होगा कि कोई भी खिलाड़ी इन्हें नीचे इस टेबल से पर्पल कैप से गिरा पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम नौवीं बड़ी खबर की अब हम बात कर लेते हैं। क्रिस गेल, पंजाब किंग्स के खिलाड़ी क्रिस गेल, और क्रिस गेल के हवाले से बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। क्रिस गेल की एक तस्वीर और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आज पंजाब मैच जरूर खेलेगी, गेल भी खेलेंगे, लेकिन तुनक तुनक जो गाना था उसमें क्रिस गेल ढोल के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीर पंजाब किंग्स के एड शूट की बताई जा रही है और बहुत जल्दी इसका एड टीवी पर भी आने वाला है। हम तो बहुत एक्साइटेड है, आप अपनी राय कमेंट में दीजिए इस एड के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, उससे पहले बता दूं टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि भाई टेलीग्राम पर हम टीम देते हैं जो हम लगाते हैं ना बीबीएस लक्ष्मण राशिद खान इनके खिलाफ, तो आप भी ज्वाइन करिए टेलीग्राम पर, जाइए द रियल एमसीबी को सर्च कीजिए, लगभग 48,000 लोग परिवार का हिस्सा बन गए, आप भी बन जाइए दोस्तों, क्योंकि सारी टीम से मिलेंगी, न्यूज मिलेगी, व्यूज मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे। एक फेक चैनल भी है जिसके 52-53,000 फॉलोअर्स है, उस फेक चैनल को फॉलो मत कीजिएगा, रियल चैनल को ही फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों दसवीं बड़ी खबर की अब हम बात कर लेते हैं। विजय शंकर का एक बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है नॉट थिंकिंग अबाउट इंडिया कमबैक। पहला मैच आज एसआरएच खेलेगी और उससे पहले विजय शंकर कह चुके हैं कि वो भारतीय टीम में वापसी के बारे में समय सोच ही नहीं रहे हैं। जाहिर है कॉम्पिटिशन बहुत है, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। माय इलेवन सर्कल ऐप पर अपनी अकाउंट जो है वो फटाफट बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।